नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज से सावन आरंभ हो रहा है, भगवान शिव की आराधना का बड़ा सुंदर समय आने वाला है। 3 मिनट में बताने वाले हैं पूरा 12 राशियों का हाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन निवेश से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आज कुछ नए दोस्त मिलते दिखाई दे रहे हैं, पर जीवन साथी आपसे कुछ नाराज होता दिखाई दे रहा है। मनाने का प्रयास कीजिए, भगवान शिव की उपासना करें, गंगा जल उन्हें अर्पित करें, लाभ होगा। मां अम्बे करेंगी कल्याण। वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। विकार की भागदौड़ कष्ट दे सकती है, आज धैर्य रखते हुए काम करने का प्रयास करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपके प्रयास व्यर्थ न जाए इस बात का ध्यान रखें। लेन देन का खासतौर पर हिसाब रखने का प्रयास करें। भगवान के नर्मदेश्वर स्वरूप का आज पूजन करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मां अम्बे करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है जान लीजिए। यात्रा थोड़ी परेशान कर सकती है, थका सकती है। गैर यथार्थवादी योजनाओं पर धन आज आपको परेशानी का कारण बन सकता है, इससे बेकार कामों से बचने का प्रयास करें। मामे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज कैसे बन रहे हैं ग्रहों के योगा योग जान लीजिए। फायदेमंद योग बनते दिखाई दे रहे हैं, निवेश आपको फायदा दे सकता है। आज घर का माहौल तनाव को कम करने के योग बना सकता है। धर्म के प्रति काम करेंगे, परोपकार की भावना जितनी रहेगी आपको लाभ प्राप्त होगा। मामे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आपको नए कार्यों को शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन खर्च ना करें, इस बात से सावधान रहें। आज किसी भी फैसले को जरूरी अंतिम रूप देने से पहले अच्छे से विचार जरूर कर लें। मामे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से आज का दिन अच्छा दिखाई देता है। आपकी जो तबीयत है, खुशमिजाजी जो है, आत्मविश्वास जो है, वो आपको लाभ दे सकता है। आज धन लाभ की उम्मीद बहुत ज्यादा तो नहीं, आपके मन के मुताबिक तो नहीं होगी, होगी जरूर। उपाय के तौर पर भगवान के मंत्र का जप करें, केले में जल अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए निवेश आज का जो अवसर आता दिखाई दे रहा है उन पर विचार अवश्य कीजिएगा। आज आपका साथ जो रुख जो है वो रूखा रहेगा, जो आपका खासतौर पे बहुत ड्राई आपका जो स्वभाव रहेगा वो आपको कष्ट दे सकता है, जीवन साथी से मतभेद उत्पन्न करा सकता है। वाणी पर संयम रखते हुए काम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपका रवैया जो है थोड़ा लापरवाह रहता दिखाई दे रहा है। कोई नई योजना को शुरुआत करने से पहले उचित सलाह जरूर ले लीजिएगा। यात्रा के योग बन सकते हैं लेकिन टालना उचित रहेगा। आज एक उपाय के तौर पर गाय को भीगे हुए चने की दाल खिलाइए, शुभ होगा आपके लिए। मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए जो स्वभाव है वो विशेष तौर पर लोगों को आकर्षित कर सकता है। आपका बर्ताव आपको खासतौर पर लाभ दे सकता है। आज दिन चढ़ने के साथ साथ आपके वित्तीय तौर पर भी सुधार के संकेत मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मामे करेंगे कल्याण। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव विचार का सहारा लेने की जरूरत दिखाई देती है। बच्चों पर खासतौर पर एक बात ध्यान रखें कि बच्चे जो है आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते दिखाई दे रहे। अपने रवैये को सही से समझाएं, भगवान शिव की उपासना करें, मंदार के पुष्प उन्हें अर्पित करें, लाभ होगा। मामे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक तौर पर किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सावधानी में कमी होगी तो परेशानी हो सकती है। आज ग्रह इशारा कर रहे हैं धार्मिक तरफ ज्यादा जाएं। आज भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ अवश्य दें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए कैसा समय जान लीजिए। आसानी से धन एकत्र हो सकता है। आज लोगों के द्वारा पुराना जो कर्जा है वो वसूल करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आपके कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं, आज लोगों की रुचि के अनुसार से आप काम लें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। केसर का तिलक करें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे।